हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस आज जिसमें हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर टेन टू ट्वेल्व ईयर बेबी गर्ल जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है वन मीटर और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है टू मीटर्स दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिए है कॉटन के सो गाइस लेट्स का स्टार्ट देखिए सबसे पहले मैंने प्लेन फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे और ये फोर फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स नाइन इंचज जितना अब देखिए यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी सिक्स इंचेस आम होल भी मैं लूंगी यहाँ पर सिक्स इंचेस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन टों का लेना है देखिए यहाँ पे लेना है हमें चेस का पार्ट तो वो मैं ले रही हूँ नाइन इंचेस यहाँ पे चेस का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई फोर करके उसमें वन शेयर करना है सिंगल आउंस के लिए ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पर ट्वेल्व इंचिस और यहाँ पर आएगी हमारी कमर की ब्रेथ वो मैं ले रही हूँ एट इंचज दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है अब देखिए यहाँ पे हमें आम होल का हाफ थ्री इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से हमारा आम होल का कव शुरू होगा तो राउंड शेप देते हुए हमें आम होल रोकर लेना है नेक की ब्रॉडनेस में लूंगी यहाँ पे टू एंड हाफ इंचेस और लेंथ में लूँगी थ्री एंड हाफ इंचेस फ्रंट के लिए और बैक की लेंथ में रखूँगी टू एंड हाफ इंचेस राउंड शेप ड्रो करना है हमें इसी तरह से हमें यहाँ पे दो नेक ड्रो करनी है फ्रंट और बैक के लिए तो इस पार्ट को हमें कट करना है सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है ये देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम वापस टू फोल्ड करेंगे इसे अच्छे से टू फोल्ड करने के बाद हमें नेक लाइन कट करना है ये हमने नेकलाइन कट कर लिया है अब देखिए बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है और ये फोर फोल्ड मैंने लिया है एटीन इंचज जितना अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें टू फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है अब इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक तो इस तरह से हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है टोटल लेंथ मैंने ली है बॉटम के पार्ट की थर्टी फोर इंचिस इस पार्ट को हमें कट करना है तो ये हमारा बॉटम का पार्ट फ्रंट और बैक के लिए अब देखिए प्रिंटेड फैब्रिक को हमने टू फोल्ड किया हुआ है और ये टू फोल्ड मैंने लिया है 15 इंचिस जितना लेंथ मैंने ली है इसकी थर्टी इंचेस इंचिस अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें टू फोल्ड करना है और इसे फोल्डेड एरिया पे रखना है एप्रोक्स 1.5 पॉइंट इंच जितना हमें बाहर की तरफ इसे रखना है इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है कि 1.5 पॉइंट जितना हमारा बाहर की तरफ हो उसके बाद हमें नेकलाइन टोकर लेना है और हमारा आम होल उसके बाद हम इसे एज इट इज मार्क कर लेंगे अब मैं इसे हटा दूंगी और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक तो इसकी लेंथ मैंने ली है थर्टी एट और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप डो करेंगे हम अब देखिए यहाँ तक हमारी कमर की लेंथ है यहाँ पे हम लाइन कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये यह हमारा स्ट्रेट रहेगा उसके बाद इस लाइन को हमें नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए तो इस तरह से हमें राउंड शेप देना है और इस पॉइंट तक इसे मिला देना है तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लेना है उसके बाद हमें राउंड शेप देना है इसे हमें कट करना है तो इसी शेप में हमने इसे कट कर लिया है तो हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं अब ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट रखना है और हम इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बैक के लिए बेस का फैब्रिक देखिए इससे हमने कट कर लिया है अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर तो सबसे पहले हमारा ये राइट पार्ट है बैक का जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया उसे हम उल्टा रखेंगे दोनों को अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद हमारे नेक पार्ट आम होल और दूसरे आम होल में हम सिलाई करेंगे यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है अब हल्के हल्के हम कट लगाएंगे कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है अब हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे तो ये हमारा बैक का बॉटम है जो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम दोनों को जॉइन करेंगे उसके बाद ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है तो सेंटर पे हमें एक लाइन ड्रो करनी है उसके बाद हमें टू इंचेस पे एक मार्क लगानी है तो इस तरफ टू इंचेस और इस तरफ भी हमें टू इंचेस पे एक मार्क करना है और वन वन इंच पे भी हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे वन वन इंच के डिफरेंस पीस में मैंने लाइन टो करनी है तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रो कर लिया है यहाँ पे हमें जिग्जेक में सिलाई लगानी है तो पैटर्न करने के लिए यहाँ पे हम जिक में सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अब यहाँ पे भी हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे टॉप तो तो का पार्ट हम बॉटम के ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे उसके बाद हम इस पार्ट को तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हमें तैयार करना है तो इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में हमें इसे डबल फोल्ड करना है ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है अभी हमारा टॉप का पार्ट है मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है फ्रंट का पार्ट है ये हमारा इसे हमें बैक साइड पर टर्न करना है ये हमने बैक साइड पर टर्न कर लिया है रॉन्ग साइड पर मैंने इसे टर्न कर लिया है इसके ऊपर हमने जो ये का पार्ट तैयार किया था उसे भी हम रॉन्ग साइड पे ही रखेंगे यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम आम होल में सिलाई करेंगे सिर्फ हमें आम होल में सिलाई करनी है ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे कट लगाने के बाद हमें इस पार्ट को राइट साइड पे टर्न करना है तो इसे हमें राइट साइड पे टर्न करना है उसके बाद हम नेक पार्ट तैयार करेंगे तो नेक के शेप का मैंने स्ट्रिप कट कर लिया है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए ये देखिए हमने नेक तैयार कर लिया है मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड किया हुआ है अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा के हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फिटिंग करना है तो यहाँ पे हम वन इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग कर लेंगे तो सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है उसके बाद यहाँ पे हम वन इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग और शोल्डर फिटिंग हो जाएगी ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है अब हमें नीचे की बॉर्डर को तैयार करना है तो यहाँ पे हमें बड़ा सा बेल्ट तैयार करना है जिसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से इस तरह के स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स सिक्स इंचेस देखिए इसे हमें बैक साइड पे रॉन्ग साइड पे रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेना है उसके बाद हमें इसे राइट right साइड पे टर्न करना है और राइट right साइड पे टर्न करने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्ट्रिप अटैच हो जाएगी फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रिंग लगा के इसे टाई कर लिया है तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फॉर टेन टू ट्वेल्व या बेबी गर्ल बिल्कुल तैयार है गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और गाइस अभी तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय